ये आजकल के बच्चे भी ना कुछ भी नहीं छोड़ते। तबे उठो, कभी भाभी जैसी जल्दी उठ जाओ तो मैं अपना नाम बदल दूँ, पता है? पिंटो, पिंटो, माँ बाबा उठ जाइए। है वो माँ। बाबा आपसे कितनी बार कहा है कि 5 से कम दवाइयां रह गई हो तो बता दिया कीजिए, अभी 1 दिन की मिस हो जाएगी। तुम्हारे बाबा को तुम्हारी आदत लग गई है। चलिए चलिए, नाश्ता तैयार हो गया है, बाहर आ जाइए। दूर हालो लागे ना। मैं बता रही हूँ बोदी, ये बातुक नहीं है, ये मेरा मरा हुआ पति का आत्मा है जो बातुक में घुस गया है। पति जीने नहीं देता था और अभी बातुक बन के मुझे सोने नहीं देता है। चलिए चलिए उठ जाइए, चाय तैयार हो गई है, आ जाओ। जा भाग के खाने के। पता नहीं सारा दिन क्या खाती और पीती रहती है, दुबली तो होती नहीं है, उल्टा मुझे तो लगता है कि और भी ज्यादा मोटी हो रही है। नौंदर माँ, बोला ना फालतू बातें नहीं। फिर एक बात पूछूं आपसे, आप बाहर काम क्यों नहीं करती है? वो जो झुमकी है ना, झुमकी जहाँ पर काम करती है वहाँ पर उसकी जो बौदी है वो बाहर काम भी करती है और घर भी चलाती है। करती तो हूँ मैं काम, पूरा दिन काम ही तो करती रहती हूँ। हाँ, पैसे क्यों नहीं कमाती हूँ ये सवाल आप अपने प्रशांत दास से पूछना। हर काम तो ठीक टाइम से ही करते आप, फिर भी हमेशा अलार्म। जैसे बातुक की आदत नहीं जाती ना तुम्हें सुबह जगाने की, ऐसे ही मेरी आदत नहीं जाती है अलार्म लगाने की। सब्जी चढ़ा देना। राधिका, अभी अच्छा लग रहा है। अगर पता होता ना, शादी में सिर्फ बीवी नहीं डॉक्टर भी मिल रहा है तो थोड़ा और खर्चा कर लेता। मैं नहीं करने देती। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मुझे मरीज मिल रहा है। मिनी बेटी। हाँ बाबा। जल्दी तैयार हो जाओ। अच्छा माँ बाबा से एक बार भोपाल जाने के बारे में बात कर लेना, मैं पिछले 1 हफ्ते से बोल रही हूँ। हाँ करता हूँ करता हूँ। लो एक एक और खा लो, आपको दवाई खानी है ना, कोई बात नहीं। मन लगा के पढ़ना, पूरा खाना। हाँ अरे बस आ गई, चलो चलो। बाय बेटा। बाय, गो। बाय मिनी। बाय बाय। पिंटू वेट, ध्यान से। दुगा दुगा।
तुमने कहा था घर पे बात करोगे, बात क्यों नहीं की? कहा तो था, लेकिन मैं सोच रहा था भोपाल जाना जरूरी है क्या? प्रशांत, तो हम 2-3 बार बात कर चुके हैं इस बारे में। मेरी बचपन की सहेली है, बीमार है, 2-3 दिन की तो बात है, जरूरी नहीं होता तो नहीं कहती। अच्छा ठीक है, डिनर पे बात करता हूँ। लेकिन तुम तीसरे दिन लौट रही हो ना? हाँ। अच्छा बोला ना मैं बात करूंगा। अरे मैं तेरा ही वेट कर रही थी। क्यों, क्या हुआ? कल हम लोग बात कर रहे थे ना कि निशा जिम क्यों नहीं आ रही है कुछ दिनों से। हाँ तो क्या हुआ उसे? हाँ तो उसने व्हाट्सएप पे बताया कि उसके हस्बैंड की वजह से वो जिम नहीं आ रही है। हस्बैंड? पर उसके हस्बैंड को तो पता है ना कि वो जिम आती है। अरे यार अब कैसे समझाऊं मैं तुझे। अच्छा चल बता इस जिम के कितने एंट्री है? 2, एक आगे से और एक। हाँ तो अब समझ ले निशा जिम है और उसका हस्बैंड दूसरी एंट्री से अंदर आता है। क्या? इसीलिए तो चल नहीं पा रही है ठीक से। नेक्स्ट वीक आएगी। बाय गॉड, ये बताने के बाद जाके मेरी कैलोरीज कम हुई है सच्ची में। अच्छा एक बात बता। बोल। मेरी एक फ्रेंड है शिल्पा, मैरिड है, अपने इंटरनेट लवर से मिलने जा रही है। वाह कितनी कमीनी है यार। कमीनी क्यों? तूने तो कहा मैरिड है, तो एक मैरिड औरत अगर उसके इंटरनेट लवर से मिलने जाएगी तो सीता मैया तो नहीं होगी ना? बस अपने लिए थोड़ा सा जीना चाहती है, इसमें गलत क्या है? नहीं फिर कमीनी नहीं है, पागली होगी। चल मैं स्क्वाट्स करने जा रही हूँ। हाँ हाँ। अच्छा सुन, तू ये क्या कार्डियो के लिए जिम करती है? प्रशांत को अपने ऑफिस पार्टी में ले जाने के लिए मोटी बीवी नहीं चाहिए और ना ही ज्यादा सेक्सी बीवी चाहिए, इसलिए। बहुदी। दुर्गा पूजा 1 महीने बाद है, लेकिन मैंने अभी से अपने बेटी को कपड़े दिला दिया है। अच्छा किया। सालों से देख रही हूँ। तुम्हारे दादा नहीं, मैं बजाती थी। अरे बाबा। इसे बजाकर ही मैं बोसवाड़ी की बड़ी बहू बनी हूँ। फिर तो इसे बेच नहीं सकती। ए माँ, लगता है इसे चूहे ने खा लिया है। मैं यहां साफ करके दवाई छिड़क दूंगी। Thank you.
किस लिए मतलब? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मैंने कहा था ऐसे गंदे कपड़े पहनने के लिए? गंदे कपड़े प्रशांत, तो ये नाइटी है। जो भी है, तुमने क्यों पहनी है ये? पहन के मैं ड्राइंग रूम या मार्केट में नहीं जा रही हूं, अपने पति के सामने पहनी है। आओ आओ, जरा देखो कैसी लग रही हो तुम। अपने पति के सामने भी नहीं पहन सकती क्या? राधिका, पति के सामने बीवी बन के आती ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, तुम तो बिल्कुल। चलो, किसी के तो काम आई। क्या? कुछ नहीं, दवाई छिड़क देना। नौंदर्मा, हाँ, तस्वीर ले रहे थे क्या? तो अच्छा वाला खींचो ना। ये ठीक है? खाओ। माँ। है? बाबा। हम्म? राधिका कुछ दिनों के लिए भोपाल जा रही है। हम्म? सिर्फ 2-3 दिन के लिए। घर का क्या होगा? मुझे सुबह उठना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट तो मैं बाहर ही कर लूंगा। वो उसकी बचपन की सहेली काफी सीरियस है, बोलो ना क्या हुआ है उसे। कैंसर है उसको, जाना थोड़ा जरूरी है, पर आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं नौंदर्मा को सब समझा के जाऊंगी। जाना कब बेटे? कल जाना है। कल? दीदी तारा तारी फिरे शो किंतु। हैं नौंदर्मा के तो सब बुझी दिए छो, कोनो অসুবিধা नहीं। हैं हैं, আমার সব বলে দিয়ে গেছে গো ছোড়দা। বলছি খুব সিরিয়াস বুঝি?
प्रशांत हो? टू कोलकाता। बताना तो चाहिए था कि तुम्हें कल ही जाना है। जा तो मैं परसों भी सकती थी, पर मैं फ्राइडे से पहले लौटना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि फ्राइडे तक तो बोसवाड़ी मेरे बिना चल जाएगा, वीकेंड नहीं चला पाएगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। ए, तुम्हारा ना आने जाने का टिकट मेल कर दिया तुम्हें। हाँ ठीक है। माँ मैं सोच रही थी कि आपके आने के बाद ही होमवर्क करूंगी। अच्छा बच्चू, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मम्मा आपको रोज वीडियो कॉल करेंगी और आपको होमवर्क कराएंगी। आपके लिए नो छुट्टी। तो तुम कौन सा छुट्टी पे जा रही हो? माहौल तो टेंस रहेगा। हाँ, अपने दोस्त का फोन नंबर और एड्रेस दे के जाना। हाँ मैं भेज दूंगी। माँ पापा आप ध्यान रखिएगा और आप टाइम पे दवाई लीजिएगा। नौदरमा सबका ध्यान रखना। बाय। भालो भाभे जेओ। बाय। और बच्चा नो बदमाशी। बाय बोले छो। ठीक है, अच्छे से रहना। बाय। हाँ, तबीयत का ध्यान रखना, टाइम पे खाना, मैं पहुंच के फोन करती हूँ। बाय। हाँ मैं ठीक से पहुंच गई हूँ। हाँ बाबा, दोस्त के घर। थोड़ा थक गई हूँ, कल सुबह फोन करती हूँ। अच्छा घर पे सबको बता देना। मिनी ठीक है? ठीक है ठीक है, कल बात करती हूँ। गुड नाइट। How are you? हमने हग करने का डिसाइड किया था ना? किया तो था, पर जरूरी थोड़ी है कि जो डिसाइड किया हो वो करना भी पड़े। करेक्ट। अरे ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। तुम्हें याद था? ऑफ कोर्स याद था। यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, अगर इतना याद नहीं हुआ तो हो चुका पास। तुम 3 दिन के लिए आई हो, राइट? हाँ, क्यों? नहीं, सामान देख के ऐसा लग रहा है कि तुम जिंदगी भर के लिए आ गई। नहीं कोई बात नहीं, घर में बहुत जगह है। Shut up. मेरे जोक्स अच्छे हैं, बस इनकी टाइमिंग थोड़ी सी खराब है। पूरी रात एयरपोर्ट पे ही रुकने का इरादा है क्या? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, चलो लेट्स गो। आ जाओ इधर, कम। लेट हो गया? हाँ वो
डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी और फ्लाइट हॉपिंग करके आना पड़ा और सेकंड फ्लाइट काफी डिले थी। कोई बात नहीं, ऐसे छोटे छोटे शहरों में पहुंचने के लिए बड़े बड़े डिलेज होते रहते हैं। मैंने बताया था ना, मेरे जोक्स अच्छे होते हैं, बस इनकी टाइमिंग खराब होती है। साईशा, क्या हुआ? पहली बार आधी रात को बाहर निकली हूं, लोग सोते नहीं है क्या? शायद सुबह जल्दी नहीं उठना होता होगा, परिवार को संभालना नहीं होता होगा। तुम्हें याद है ये गाना? हमेशा रहेगा। पहली बार तुम्हें जब तानपुरा के साथ गाना गाते हुए देखा, मुझे लगा मेरे सामने स्वयं माँ दुर्गा बैठी है। माँ दुर्गा? मैडोना ही कह देते। सुनो ना, वो गाना एक बार गाओ ना। कौन सा? वही। अरे सब जाग जाएंगे। कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं अभी नहीं। प्लीज गाओ ना। अच्छा ठीक है। जब रिश्ते नहीं होते हैं तो सब याद रहता है, सब दिखता है। फिर जब संग पड़ जाए तो संग भी नहीं दिखता। आजो इस तरफ। हाँ? तो ये है तुम्हारा रूम। काफी थक गई होगी, सो जाओ, कल मिलते हैं। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, फोन कर देना मुझे। गुड नाइट। गुड नाइट। अतुलित, अतुलित, साईशा, साईशा, मीट साईशा। हाँ? वो तारा देख रही हो? वो देखो, उसका नाम साईशा है। अच्छा, और किसने रखा इसका नाम और कब? मैंने रखा है, जिस दिन हम फेसबुक पे कनेक्ट हुए थे उस दिन इस तारे का नाम साईशा रख दिया।
तो मतलब कि इस तारे की उम्र कुछ 6 महीने की है लगभग। कई बार डिनर के बाद मैं और सायशा अपने मन की बात करते हैं। तुम जानना चाहती हो क्या बातें करते हैं? मैं बिल्कुल और नहीं। ये बताओ प्रिपरेशन कैसी चल रही है? ठीक ही चल रही है, माँ थोड़ी परेशान रहती है, दूसरा साल है ना। और तुम्हारे पापा? पापा पापा बहुत चिल आउट है, पापा कभी कुछ नहीं कहते मुझे। वैसे ये सब क्या है? ये ऑनेस्टली एक बात बताऊं साईशा, तुम पहली बार भोपाल आई हो मुझसे मिलने, तो मुझे लगा कि तुम्हें सरप्राइज देता हूँ, तो मैंने लेट नाइट कॉफ़ी डेट डिसाइड की थी यहाँ पे टेरेस पे, और मैंने खुद के घर की लाइट ट्रिप हो गई। मतलब कि सिर्फ हमारे घर की लाइट गई है? और हाँ, लेकिन तुम टेंशन मत लो, कल इलेक्ट्रिशियन आ जाएगा, लाइट भी आ जाएगी। वैसे एक कहावत है, लड़की हंसी तो फंसी। फंसाया मछली को जाता है, मछवारन को नहीं। वाह क्या लाइन है, अगर फेसबुक स्टेटस होता ना तो तुरंत लाइक कर देता। वैसे तुम्हारा लाइक बटन कहाँ है? वैसे तुम्हारा लाइक बटन कहाँ है? मेरे नाक के नीचे, यहाँ यहाँ है, जिसे आम जनता होठ भी कहती है। तुम्हारा कहाँ है? मुझे घर पे फोन करना होगा। आप गुड नाइट। गुड नाइट। साईशा, 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 गुड मॉर्निंग। बन गई कॉफी? चाय? तुम सुबह चाय पीती हो ना? जिंदगी में पहली बार किसी मर्द ने मेरे लिए चाय बनाई है, इसे तो मैं आराम से पीऊंगी। बिल्कुल आराम से। अच्छा थोड़ी देर के लिए मुझे स्कूल जाना होगा, बच्चों को पढ़ाने। तुम जानती हो ना मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ स्कूल में। जानती हूँ, पॉकेट मनी के लिए। वैसे कुछ कुछ बातें ना मुझे भी याद रहती हैं बिना यूपीएससी की प्रिपरेशन के।
चाय अच्छी है। परफेक्ट बॉयफ्रेंड मटेरियल हूं ना? क्या पता, मैं तो हस्बैंड मटेरियल से यूज्ड टू हूं। अच्छा सुनो, मुझे लेट हो रहा है, मैं जाता हूँ स्कूल। तुम चली जाना घर, ओके? बाद में मिलता हूँ, बाय। बाय। हेलो माँ, क्या मो नाचो, दवाई ली आपने? हाँ, आर की खबर? हेलो साजु सैन जी, आपके लिए एक पार्सल आया है। हाँ आप रुकिए, मैं आती हूँ। हाय मैम, साजु सैन पार्सल, साइन प्लीज। थैंक यू मैम। थैंक यू।
सर थैंक यू साइशा तुम खाना क्या खाओगे आप आज कुछ वेज ऑर्डर करते हैं सुनो पनीर भुर्जी ओके सर डिनर मेरी तरफ से मेन्यू जो तुम चाहो चाइनीज बिल्कुल आई लव चाइनीज एक्सक्यूज मी मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम एक्चुअली यहाँ हो मुझे भी कहाँ यकीन हो रहा है लगता है जब चली जाऊंगी तब यकीन होगा अच्छा तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी चीज का डेस्परेटली इंतजार कर रही हो और वक्त थम सा जाता है और जब वो चीज एक्चुअली तुम्हारे सामने होती है तो वक्त भागने लगता है जैसे तुम कल ही आई हो परसों चली जाओगी मुझे मिनी को होमवर्क कराना है थोड़ा टाइम लगेगा कोई बात नहीं मैं बैठा हूं ना चुपचाप यहां श्योर और क्या ओके हाय बेटा सॉरी वो पापा की दवाई का टाइम हो गया तो कब से सो रहा हूं मैं मुझे पढ़ाई करनी है तो मैं अपने कमरे में जा रहा हूं तुम जो कर रही हो वो करो कल ले जाऊंगा एक अच्छी स्पेशल जगह कहाँ सरप्राइज है
नहीं नहीं पिक्चर्स नहीं। क्यों? कोई भी चीज आंखों के सामने रहे तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। कुछ चीजें सिर्फ यादों में अच्छी लगती हैं, जिंदा रहती हैं। ये जो तुम्हारे अंदर रविंद्रनाथ टैगोर जी घुस जाते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहाँ से लाती हो ये डीप और इंटेंस बातें? काश मेरे अंदर भी ऐसी डीप बातें होती। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुमने मुझे फेसबुक पे बताया तो था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, क्या सच में आज तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी? नहीं, हाँ लेकिन एक तरफा प्यार में पीएचडी की है मैंने। तुम्हारा? एक था। सीरियस टाइप्स? दिखने में कैसा था? मेरी ना एक प्रॉब्लम है। क्या? मुझे सब मर्द ना एक जैसे ही दिखते हैं। वेरी फनी, बताओ ना क्या हुआ? कुछ नहीं, फिर मुझे समझ में आया कि उसे मुझसे नहीं प्यार से प्यार था। प्यार से प्यार? मतलब कि हम इंसानों को ना प्यार से नहीं, प्यार के कॉन्सेप्ट से प्यार होता है, और हम उसका जरिया बन जाते हैं। ज्यादा डीप हो गया? नहीं, मैं बस ये सोच रहा हूं कि कैसे पता चलेगा कि इंसान से प्यार है या प्यार से प्यार। अगर सही में इंसान से प्यार होता है ना, तो उसके लिए स्टैंड लेने में, उसके साथ खड़े होने में किसी को दो बार नहीं सोचना पड़ता। इंटरेस्टिंग, बहुत हो गई डीप बात है। अब दम है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। अतुलित! All okay? माँ और सुप्रिया मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ का झगड़ा हो गया। और तुम फैमिली कोर्ट हो? मैं फैमिली एवरीथिंग हूँ। थक नहीं जाती तुम रोज रोज यही सब करके? मेरी माँ हमेशा कहती थी कि औरत बनना बहुत मुश्किल काम है। सही कहती थी। शादी के बाद समझ में आया कि औरत बनने से भी ज्यादा मुश्किल होता है औरत को समझना। मैं समझता हूं। तुम मर्द कब से समझने लगे हम औरतों को? तुम्हें बस वही समझ में आता है जो दिखता है। फिर टैगोर जी आ गए तुम्हारे अंदर हैं? वैसे टैगोर जी का संगीत भी होता है, रविंद्र संगीत। साइशा कुछ सुनाओ ना प्लीज। नहीं प्लीज प्लीज। नहीं नहीं प्लीज प्लीज प्लीज। ओके सुपर। साइशा, 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 क्या हुआ तुम्हें? मैं हमारे लिए गा रही थी, लोगों के लिए नहीं। लोगों को तुम्हारा गाना पसंद आया, तुम्हारी आवाज पसंद आई तो रुक गए? मेरी आवाज लोगों के लिए नहीं है, खुद मेरे लिए भी नहीं है।
साइशा ये जोक सुनो ना। लड़का तुम लड़कियां लव मैरिज क्यों करती हो? लड़की अनजान नमूना मिलने से अच्छा है कि जाना वाना कमीना मिल जाए। लड़की तुम लोग लव मैरिज क्यों करते हो? लड़का एनाकोंडा मिलने से अच्छा है पहले से पाली हुई नागिन मिले। मेरे जोक्स अच्छे हैं लेकिन ना इनकी इस बार टाइमिंग भी अच्छी थी। सीरियसली आई एम सॉरी, मुझे तुमसे ऐसे रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली तुम्हारी गलती नहीं है, ये 12 सालों में हर दिन मुझे यही याद दिलाया गया है कि शादी के बाद लड़कियों को अपनी तरफ ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहिए, गलत बात होती है। इतने सारे लोगों का अटेंशन अपनी तरफ देखकर मैं महकल जा रही हूं। हेलो। उनकी तबीयत कैसी है? हाँ तबीयत ठीक है। अब पैकिंग कर लिया? हाँ पैकिंग कर लिया। वेब चेक इन किया? वेब चेक इन कर लिया है। सब इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ। आप मिनी कैसी है? अच्छी है। और बाकी सब? अच्छे हैं। टेंशन में हूँ? नहीं बस वो थोड़ा सा हेडेक है। ठीक है मैं कल सुबह में फोन करती हूँ आपको। ओके टेक केयर। हाँ बाय। Thank you.
वापस जाने का। अपनी फैमिली को छोड़ के तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। हाँ कुछ नहीं। क्या हुआ? बोलो। आई लव यू साइशा। नंदार माँ, अरे आराम से, कैसी है माँ? सब भालो। प्रणाम बाबा। सब ठीक है ना भोपाल में? एकदम ठीक। अच्छा, और फ्लाइट टाइम पे था ना? बिल्कुल टाइम पे, बस अपना फोन भूल आई है। अरे भाई कैसे है? को था यू भूले गला। चलिए अंदर। अरे कैसे है? चलो माँ। तो फिर वापस कब आओगी भोपाल? या मैं आ जाऊं कोलकाता? अतुलित, अमी आर आसबो ना, आमादेर आर देखा होबे ना, फेसबुक के उना, व्हाट्सएप पे उना। मुझे ना सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप समझ आया और कुछ समझ में नहीं आया। अभी तक बंगाली आती नहीं है मुझे। अगले जन्म में बंगाली बन जाऊंगा। 12 বছর আমি শুধু অন্যদের গল্প ঠিক করে এসেছি, আর অন্যদের গল্প ঠিক করতে করতে নিজের গল্পই ভুলে গেছিলাম। এক মিনিট, মানে গুগল ট্রান্সলেটর অন করে দাও। আমি জানি তোমার মনে হচ্ছে আমি তোমার সাথে দেখা করেছি, কারণ আমি তোমায় ভালোবাসি না তুলিত। আমি তোমায় ভালোবাসি না। আমি ভোপাল এলাম কারণ আমি নিজেকে আবার ভালোবাসতে চেয়েছিলাম। আমি জানি মেয়েদের বিয়ের পর নিজেদের ভালোবাসতে গিয়ে অনেক কিছু নষ্ট হওয়ার সুযোগ থাকে, কিন্তু বিশ্বাস করো, আমার ভোপাল আসার তোমার সাথে থাকা আমার জীবনে কিছু নষ্ট করিনি। সব যেমন ছিল তেমন আছে। শুধু লাস্ট 2 দিনে আমি একটু আমার মতন করে জীবন বেছে নিলাম। জানি সবাই হয়তো তুমিও ভাববে কি সেলফিশ মেয়ে আমি। একদিন হোপফুলি তুমি বুঝবে যে মেয়েদের বাঁচতে গেলে, নিজেদের মতন করে বাঁচতে গেলে সেলফিশ হতে হয়। আমায় ভুলে যেও অতুলিত।